आज हमारे घर पे मेहमान आएंगे। इस पूरे हफ्ते मैंने बहुत ओवर टाइम किया है और बहुत थक गया हूँ, इसलिए आज मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ रिलैक्स करूँगा। पूरे घर की सफाई, स्कूल की मीटिंग अटेंड करना और उसके बाद सोसाइटी एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड करना, मैं थक गई हूँ, आज पूरा दिन रिलैक्स करूँगी। मैंने इस हफ्ते कुछ भी नहीं किया, पूरा हफ्ता बेकार कर दिया, इसलिए मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे भी आज पूरा दिन आराम चाहिए। कुछ ना करने के बावजूद तुम्हें सारा दिन आराम करना है? अरे शांत हो जाओ, मैंने फैसला किया है कि आज हम तीनों सिर्फ रिलैक्स करेंगे। समझ गई हैरी। मैं भी समझ गया। आई। अरे कोई आया है, जाकर देखिए ना हैरी। आ रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? योशिरिन, तुम कितने दिनों बाद आए हो? मिस्टर नोआरा। अरे अरे, क्या मुझसे इतने दिनों के बाद मिलने की वजह से रो रहे हो? मिस्टर नोआरा, मैं आपको देखकर नहीं रो रहा, मेरे रोने की वजह कुछ और ही है, आप में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे आपको देखकर रोऊं। तो फिर किस लिए रो रहे हो, बताओ ना। क्या हुआ योशिरिन, तुम रो क्यों रहे हो? मिसेस नोआरा, अब मैं आपको क्या बताऊं, मिची का बर्ताव मेरे प्रति बहुत बदल गया है, अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे पहले थी। हमें सारी कहानी नहीं सुननी, जल्दी बताओ प्रॉब्लम क्या है। पूरी कहानी सुनाने के लिए मुझे अंदर आना पड़ेगा मिस्टर नोआरा, कहें तो। अरे आज तुम इस तरह अंदर नहीं आ सकते, हम सब बहुत बिजी हैं, चलो जाओ अभी। तुमने सुना नहीं, हैरी ने कहा आज हम बिजी हैं। क्या आप लोग सच में बिजी हैं? आज हम बहुत बिजी हैं, आज हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और बस पूरा दिन आराम करेंगे। मुझे पहले से पता था कि आप लोग बिजी नहीं हैं, इसलिए मैं अंदर आ जाता हूँ। अरे अब रोना बंद भी कर दो और बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे एक कप चाय चाहिए या कॉफी भी चलेगी? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने जा रही हूँ। मुझे कड़क चाय चाहिए, अगर हो सके तो उसमें इलायची भी डाल दीजिएगा। ठीक है, सुन लिया। मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? सॉरी योशिरिन, लेकिन घर में स्नैक्स नहीं है। अगर खाने में स्नैक्स नहीं है तो आप मुझे फल भी दे सकती हैं। है, कुछ नहीं है यहाँ, जल्दी से अपनी प्रॉब्लम बताओ और निकलो यहाँ से, समझे क्या? देखो हमारा वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है, दरअसल बात ऐसी है कि हेलो दादाजी। पापा। अरे पापा, आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? ये तो हमेशा ही अचानक से आते हैं। बेटा मैं बहुत दिनों से तुम्हें फोन कर रहा था लेकिन तुम फोन उठाते ही नहीं, मैं इसीलिए चला आया। मुझे पता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं यहाँ। दादाजी। बेटा शिनचान। दादाजी। मेरा बेटा शिनचान, आ जाओ बेटा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी किया। हम लोगों को दादाजी और शिनचान से कुछ सीखना चाहिए, देखिए दोनों में कितना प्यार है। अपनी कमेंट्री बंद करो। दादाजी कैसे हैं आप? अरे योशिरिन कैसे हो? ये ठीक है, अभी चला जाएगा। दादाजी क्या मैं आज रात आपके साथ रह सकता हूँ? फालतू बात मत किया करो। आपसे किसने पूछा, दादाजी बोलिए ना। अरे बेटा रुक जाओ, अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता है पापा। ठीक है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तुम किस खुशी में रुकोगे यहाँ? वैसे हिरोशी तुमने बिल्कुल सही कहा, योशिरिन यहाँ नहीं रुक सकता, जगह छोटी है। सही कहा दादाजी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हैरी प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके पापा यहाँ नहीं रुक सकते। मैं समझता हूँ, पापा के लिए मैं किसी होटल में कमरा बुक कर देता हूँ। योशिरिन का क्या करेंगे? वो तो अपने घर चला जाएगा। रद्दी अखबार दे दो। पापा मुझे आपसे एक बात करनी थी। बेटा तुम्हें पैसे तो नहीं चाहिए? बेटा तुम तो कमाते हो, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा बोलो। नहीं नहीं वो बात नहीं, आप देख सकते हैं कि यह घर कितना छोटा है, इसमें सबका एडजस्ट होना मुश्किल है, इसलिए अगर आप किसी होटल में रुक जाएं तो। इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले भी तो हमने कई फैमिली मेंबर्स को साथ में रखा हुआ है। तुमने सही कहा शिनचान। मेरी मॉम दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। बेटा जब पिटाई पड़ती है ना तो हमें दूसरे को खूबसूरत मानना पड़ता है। दादाजी आपने बिल्कुल ठीक कहा। घर में पानी की समस्या है, आइए पानी को ले जाइए, 50 और 500। माफ कर दीजिए पापा, और तुम भी योशिरिन। अरे कोई बात नहीं।
ओ, फिर से कोई आ गया। हेलो बेटा। हेलो, कैसे हो तुम लोग? हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले। मॉम, नाना जी और नानी जी आए हैं। ओह मॉम डैड, आप यहाँ? आइए आइसक्रीम। तुम दोनों को साथ देखकर मैं बहुत खुश हुई। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा इनके साथ है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, मिस्टर नुहारा और मिसेस नुहारा तो सच में बहुत क्यूट है, मैंने सही कहा ना? हम लोग क्यूट नहीं है। ये घर तो सच में बहुत छोटा है, हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे? क्या सच में? अब समझ में आया? आप पहले से ये बात नहीं जानते थे क्या कि मेरा ये घर अभी बहुत छोटा है? ये सही कह रहे हैं। शिनचैन! अरे नहीं। अरे क्या हुआ, तुम सबके सब यहाँ क्यों आए हो? शिनचैन, कल खेलते वक्त तुम्ही ने तो हमें अपने घर पर बुलाया था, भूल गए क्या? तुम्ही ने इनवाइट किया था, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ऐसी बात है, तुम भूल गए थे क्या? वो छोड़ो, अच्छा अंदर आ जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। हेलो। योशिरीन यहाँ है क्या? मिची, मैं जानती थी तुम यहीं होगी योशिरीन, मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे। देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक लाई हूँ, तुम्हें केक पसंद है ना? मिची मुझे माफ कर दो योशिरीन, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा केक खरीदा है। मिची मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। योशिरीन। मिची। ये क्या? ये कभी नहीं सुधरेंगे। दोस्तों अब क्या खेलें हम? चलो चेस खेलते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मुझे तो हाइड एंड सीक खेलना है। अब हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। ये सही कह रहा है। हम यहाँ पर क्राउडेड ट्रेन खेल सकते हैं। अच्छा आइडिया है। हमारी हिमावारी कितनी प्यारी लगती है ना? इसकी शक्ल तो मेरे से मिलती है। गलत कहा तुमने, इसकी शक्ल मेरे से मिलती है, समझे तुम? अरे बेटी मेरी शक्ल देखो, देखो मुझे, देखो। क्या आज सब यहीं पर रहेंगे? मैं अभी डिनर का ऑर्डर दे देता हूँ। आज यू